वेलकम फ्रेंड्स, हम सभी लोग मेटलर्जी के टॉपिक में अयस्कों के सांद्रण की विधियों को पढ़ रहे थे। अयस्कों के सांद्रण की विधियों में हम सभी लोगों ने सीखा था कि अयस्क जब हम खदानों से निकालते हैं तो उसमें अयस्क के साथ साथ कई सारे अशुद्धियां रहती हैं जिसे हम गैंग कहते हैं। तो अयस्क और गैंग को अलग करने की जो विधि है उसे हम कहते हैं अयस्कों के सांद्रण की विधि। अयस्कों के सांद्रण की विधि में हमें चार विधियों को पढ़ना था। उनमें से सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा फेंट लवण विधि, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा चुंबकीय पृथक्करण विधि, और आज हम लोग जिस विधि के बारे में बात करने वाले हैं उस विधि का नाम है लीचिंग प्रोसेस, या जिसको हम बोलते हैं निछालन विधि, या ये केमिकल के द्वारा होने वाला सेपरेशन है, इसलिए इसको हम बोलते हैं रासायनिक विधि। अब देखो इसमें होता क्या है, हम किस तरह से निछारण करते हैं उसको आप ऐसा समझो। जैसे सपोज दैट हमारे पास कोई एक अयस्क है, समझिए मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, बाद में ये लिखी हुई चीज आपको थोड़ा समझा दूंगा मैं। एक हमारे पास एक अयस्क है और उसमें इम्प्योरिटी भी है, अशुद्धियां भी है, जिसको हम गैंग कह रहे हैं। अब हमने क्या काम किया, एक कोई केमिकल मिला दिया। अब क्या मिलाया ये बात की चीज है, हमने कोई केमिकल मिला दिया और केमिकल हमने कुछ इस तरह मिलाया कि अयस्क ने उस केमिकल के साथ रिएक्शन कर ली, और रिएक्शन करने के बाद जो भी प्रोडक्ट बना, जो भी उत्पाद बना, वो उत्पाद विलयन के रूप में था, मतलब वो उत्पाद घुलनशील था, और अशुद्धियां उस केमिकल के साथ कोई रिएक्शन नहीं करती हैं, वो सॉलिड रूप में ज्यों की त्यों रहती हैं। तो आप बताओ, सॉलिड अघुलनशील वाला भाग नीचे बैठ जाएगा और जो अयस्क था जिसने क्रिया कर लिया था वो लिक्विड वाला पोर्शन है वो अलग हो जाएगा, मतलब उस लिक्विड को हम अलग कर लेंगे, अशुद्धियों को हम अलग कर लेंगे। तो अभी हमें अयस्क नहीं मिला, अयस्क ने क्रिया करके एक पदार्थ बनाया है। अब हम उस पदार्थ में फिर से कोई दूसरा केमिकल डालेंगे और उससे अयस्क को फिर से क्या कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। तो आप बताओ, आपका टारगेट तो पूरा हो गया ना। आपका टारगेट क्या था, अयस्क अलग हो जाए, गैंग अलग हो जाए। आपने देखो वही टारगेट तो किया, हमने एक केमिकल डाला, उस केमिकल ने उस अयस्क से रिएक्शन कर ली और एक ऐसा उत्पाद बनाया जो कि विलयन के रूप में था, घुलनशील था, और अशुद्धियों ने क्रिया नहीं करी, वो अघुलनशील थी। तो आप बताओ, लिक्विड में अघुलनशील चीज नीचे बैठ जाएगी, घुलनशील लिक्विड ऊपर हो जाएगा, उस घुलनशील लिक्विड को आप अलग कर लो, अघुलनशील आपको अलग फेंक दो। अब जो घुलनशील लिक्विड है, अब उस लिक्विड में आप फिर से दूसरा कोई केमिकल डालो और दूसरा केमिकल डाल के अयस्क को फिर से क्या कर लो, वापस प्राप्त कर लो। तो इस विधि को हम क्या बोलते हैं, निछालन विधि, और इसी विधि को हम बोलते हैं लीचिंग प्रोसेस, या इसी को बोलते हैं रासायनिक विधि। तो आपने देखा कि केमिकल की सहायता से हमने अयस्क और गैंग को अलग किया। तो अब हम इसकी विधि को पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए इसमें पॉइंट्स बना हुआ है कि यह विधि, बाकी चीज देखे हम निछालन विधि, यह विधि रासायनिक परिवर्तन पर आधारित है, मतलब हमारी केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो केमिकल रिएक्शन वाली चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज या रासायनिक परिवर्तन। तो ये जो विधि है वो रासायनिक परिवर्तन पर आधारित है, ये तो पहला पॉइंट हुआ। सेकंड है, इस विधि में पिसे हुए अयस्क की उचित अभिकर्मक के साथ क्रिया कराते हैं। अभिकर्मक मतलब रिएजेंट, मतलब केमिकल, ठीक है। पिसे हुए अयस्क की उचित अभिकर्मक के साथ क्रिया कराते हैं जिससे वह विलयन अवस्था में आ जाता है। अभी भी बताया था कि जब वो अयस्क उस केमिकल के साथ रिएक्शन करेगा तो जो भी पदार्थ बनेगा वो लिक्विड स्टेट में रहेगा, केमिकल के रूप में, विलयन के रूप में रहेगा, तथा अशुद्धियां ठोस अवस्था में रह जाती हैं। और इस तरह से अशुद्धियां अलग, विलयन अलग। अब जो हमारे पास प्रोडक्ट मिला विलयन के तौर पर, उसमें हम दूसरा केमिकल मिलाएंगे और फिर से उससे अयस्क को वापस प्राप्त कर लेंगे। ये लिखा नहीं है बट ये प्रोसेस हम कर रहे हैं। तो इस विधि को हम बोलते हैं निछालन। अब आपसे पूछा जाता है विकल्प के तौर पर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी ऐसी धातु है जिसका हम सांद्रण जो है वो निछालन विधि से करते हैं। तो देखिए तीन धातुएं जो आपके सिलेबस में है, देखो धातुएं तो कई हैं, हम कितनी भी पढ़ते रहेंगे कम है, ठीक है। तो हमारे सिलेबस में जो धातुएं हैं जिनका हम निछालन विधि से इस्तेमाल करते हैं, सांद्रण करते हैं, वो धातुएं तीन है। एक का नाम है एल्यूमिनियम, दूसरे का नाम है सिल्वर, और तीसरे का नाम है गोल्ड। तीनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम उदाहरण के लिए देखो लिखा क्या है, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड इत्यादि धातुओं
कि अयस्कों का सांद्रण निक्षारण विधि से करते हैं, ठीक है, ये आपके विकल्प के आंसर्स हैं, ठीक है। अब देखो हमने उदाहरण के लिए अयस्क लिया बाप्साइड। देखो आपने हमारा जो सेकंड वीडियो देखा होगा उसमें आपको हमने क्या बताया था कि एल्यूमिनियम के कई सारे अयस्क होते हैं। कौन कौन से अयस्क होते हैं एक बार रिकॉल करके देखिए। एल्यूमिनियम का पहला अयस्क क्या पड़ा था? बॉक्साइड। दूसरा क्या पड़ा था? डायस्पोर। तीसरा क्या पड़ा था? कोरिंडम। और चौथा क्या पड़ा था? क्रायोलाइट। ये जो चारों हमने नाम लिए हैं ये सभी किसके अयस्क होते हैं? एल्यूमिनियम के। इनमें से जो सबसे फेमस अयस्क है उसका नाम क्या होता है? बॉक्साइड। और बॉक्साइड का सूत्र क्या होता है? Pl2O3.2H2O। ये किसका सूत्र होता है? बॉक्साइड अयस्क का सूत्र होता है, ठीक है। अब जब हम बॉक्साइड अयस्क खदानों से निकालते हैं, खानों से निकालते हैं, तो अयस्क तो रहता है, हमने आपको क्या बताया, इसमें अशुद्धियां भी रहती हैं। अब देखो इसकी अशुद्धियों के लिए पहले आप याद करिए कि जो बॉक्साइड अयस्क है उसमें दो तरह की अशुद्धियां देखने के लिए मिलती है। कौन कौन सी अशुद्धियां? हम तो नाम लिख रहे हैं, एक तो लिखा हुआ है हमने आयरन के ऑक्साइड, आयरन के ऑक्साइड, आयरन के ऑक्साइड आप जानते हो ना, आप बताओ इसका नाम फेरस ऑक्साइड, और इसका नाम बताओ फेरिक ऑक्साइड, नाम सुना होगा आपने। तो ये एक प्रकार की अशुद्धि है जो अयस्क में देखने के लिए मिलती है। और दूसरी अशुद्धि आपने नाम सुना भी होगा सिलिका, सिलिका इसका फॉर्मूला क्या होता है? SiO2। तो ये दोनों ही अशुद्धियां हमारे बॉक्साइड अयस्क में रहती है। कौन कौन सी रहती है? बॉक्साइड, पहली चीज तो किसका अयस्क है? आंसर है एल्यूमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइड अयस्क का सूत्र क्या होता है? Al2O3.2H2O होता है। जब हम बॉक्साइड अयस्क को खदानों से निकालते हैं तो उस अयस्क में अशुद्धियां रहती हैं। वो अशुद्धियां कौन सी होती हैं? तो सबसे पहली अशुद्धि किसकी है? आयरन की ऑक्साइड की। और दूसरी अशुद्धि कौन सी है? सिलिका की। हमारा टारगेट क्या है? बॉक्साइड अलग हो जाए, अशुद्धियां अलग हो जाए। और ऐसा करने के लिए हम उसमें क्या मिलाने वाले हैं? केमिकल। अब हम बात करते हैं केमिकल कौन सा मिलाएं कौन सा ना मिलाएं। तो ऐसा केमिकल खोजा गया जिससे रिजल्ट बेहतर आए, और ऐसा केमिकल जब खोजा गया तो फिर तीन तरह के वैज्ञानिकों ने तीन तरह के बातें बताई कि यार ये मिला दो तो ऐसा हो जाएगा, ये मिला दो तो वैसा हो जाएगा। तो वो तीन तरह के जो केमिकल हैं उसके आधार पर हम जो बॉक्साइड अयस्क है, जो एल्यूमिनियम का बॉक्साइड अयस्क है, उसका जो सांद्रण है वो टोटल हम तीन विधियों से करते हैं। पहले तो तीनों विधियों के आप नाम याद रखेंगे। पहली विधि कौन सी है? हॉल विधि। दूसरी विधि कौन सी है? बेयर विधि। तीसरी विधि कौन सी है? सर्वे विधि। कौन सी? हॉल बेयर सर्वे, हॉल बेयर सर्वे, हॉल विधि, बेयर विधि और सर्वे विधि। अब देखो तीनों विधियों का इस्तेमाल आपको कभी भी नहीं करना। अगर आपसे कहा जाए कि हमारे पास जो बॉक्साइड अयस्क है, हमारे पास जो बॉक्साइड अयस्क है उसमें मुख्य रूप से सिलिका की अशुद्धि मौजूद है, ध्यान से समझना, हमारा क्वेश्चन है हमारे पास बॉक्साइड अयस्क है और उसमें अशुद्धि किसकी मौजूद है? सिलिका की मौजूद है, SiO2 की अशुद्धि मुख्य रूप से है, तो आप बताओ उसका सांद्रण कौन सी विधि से करोगे? तो आप आंसर याद रखिए, अगर सिलिका की अशुद्धि ज्यादा होती है तो हम कौन सी विधि इस्तेमाल करते हैं? सल्फेट विधि। जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब बॉक्साइड अयस्क में सिलिका की अशुद्धि ज्यादा होती है तो हम कौन सी विधि से इसका सांद्रण करते हैं? आंसर है सल्फेट विधि से। अगर हमारे बॉक्साइड अयस्क में आयरन के ऑक्साइड की अशुद्धि ज्यादा है, मतलब आयरन का ऑक्साइड ज्यादा है, FeO ज्यादा है, Fe2O3 ज्यादा है, आयरन के ऑक्साइड अगर ज्यादा मात्रा में मौजूद है, सिलिका नहीं है, कम है, तो हम कौन सी विधि लगाने वाले हैं? बेयर विधि। मतलब अगर हमारे पास आयरन का ऑक्साइड और सिलिका अशुद्धियों के तौर पर ज्यादा मात्रा में मौजूद है, आयरन के ऑक्साइड ज्यादा मात्रा में मौजूद है अशुद्धि के रूप में, किसमें? बॉक्साइड में, तो हम कौन सी विधि लगाने वाले हैं सांद्रण की? उसका नाम है बेयर विधि। और अगर दोनों चीजें हैं, कोई कम ज्यादा नहीं है, मिक्सअप है, तो फिर हम कौन सी विधि लगाएंगे? हॉल विधि। मतलब बेहतर विधि कौन सी हमें लग रही है? हॉल विधि। हर जगह लग जाती है हॉल विधि में, हम जिस केमिकल का यूज नाम याद करेंगे, जिस केमिकल यूज करेंगे उसको नाम याद रखिए, Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट हम यूज करने वाले हैं, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? Na2CO3। Na2CO3 केमिकल हम कहाँ यूज करने वाले हैं? हॉल विधि में। और हॉल विधि कब इस्तेमाल करेंगे? जब दोनों तरह की अशुद्धियां हो। कौन सी दोनों तरह की अशुद्धियां हो?
तो आयरन के ऑक्साइड भी हो और सिलिका, जब दोनों ही प्रकार की अशुद्धियां मौजूद होती हैं तो हम किस विधि का इस्तेमाल करते हैं, हॉल विधि का, और हॉल विधि में हम केमिकल कौन सा यूज करने वाले हैं, सोडियम कार्बोनेट। अगर हमारे पास आयरन के ऑक्साइड ज्यादा है तो हम कौन सी विधि लगाएंगे, बीयर विधि। बीयर विधि में हम किस केमिकल का यूज करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। और अगर हमारे पास सिलिका की अशुद्धि ज्यादा है तो कौन सी विधि है, सल्फेट विधि है। इसमें हम किसका यूज करेंगे, इसमें हम यूज करेंगे कार्बन और नाइट्रोजन गैस का। किसका, कार्बन और नाइट्रोजन गैस का। साथ में टेम्परेचर लगभग 1800 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास देंगे। अब देखो ये तीनों विधि हम आपको अलग से पढ़ाएंगे जब हम आपको एल्यूमिनियम की मेटलर्जी सिखाएंगे। हमारा अभी टारगेट एल्यूमिनियम की मेटलर्जी सिखाना नहीं है, हमारा टारगेट है कि हम रासायनिक निक्षारण विधि को कंप्लीट कर पाए। रासायनिक निक्षारण विधि में हम केवल एक उदाहरण ले रहे हैं, वो कौन सा उदाहरण है, हॉल विधि का। हॉल विधि से हम इसको जल्दी से समअप कर दे रहे हैं कि हम किस तरह से हॉल विधि से केमिकल लेते हुए अयस्क को अलग कर देते हैं और अशुद्धियों को अलग कर देते हैं। गैंग को अयस्क से अलग कैसे करते हैं केमिकल की सहायता से, वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखो हमने क्या किया, बॉक्साइड अयस्क लिया, इसको समझना पहले, ठीक है, इसको समझना। और देखो रिएक्शन आप तब सीख पाओगे जब आप रिएक्शन की प्रैक्टिस करोगे। बोर्ड पर लिखी हुई रिएक्शन हम बोल देंगे, आपको अच्छी लगेगी, समझ में आ जाएगी, भूल जाओगे। इसलिए आप नोट्स नहीं बनाए, पहले रफ पर रिएक्शन की प्रैक्टिस करें। आप खुद से बताओ, हमने आपको क्या बोला कि बॉक्साइड आयस की रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट से करा दो। देखो बॉक्साइड आयस का फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3.2H2। ये हो गया हमारा बॉक्साइड आयस। इसकी रिएक्शन किससे करानी है, सोडियम कार्बोनेट से करानी है। तो हमने सोडियम कार्बोनेट का सूत्र लिखा और हमने इसको क्या किया, फ्यूज किया। फ्यूज का मतलब गलत किया, संगलित किया। संगलित का मतलब ये भी ठोस है, ये भी ठोस है, इतना गर्म किया कि ये पिघल जाए, इसको हम बोलते हैं गलाना, संगलित करना। तो हमने बॉक्साइड आयस को सोडियम कार्बोनेट के साथ मिक्स करके उसको क्या किया, फ्यूज किया। और फ्यूज करने के बाद देखो Na के कितने एटम है, इसमें दो है, तो टू मोल्स क्या मिलने वाला है, NaAlO2। यहां से समझिएगा, ये जो केमिकल है, जो आउटपुट बना है, जो हमारा प्रोडक्ट बना है, उसका नाम क्या है, टू मोल्स ऑफ NaAlO2। इसका नाम आप याद रखिएगा, इसको हम बोलते हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट ये मिला एल्यूमिनेट। और साथ में आप बताओ इसमें 2H2O था, साथ में आपका क्या बनेगा, टू मोल्स ऑफ H2। साथ में ये CO3 था, मतलब ये गैस भी निकलने वाली है, कौन सी गैस होगी, ये CO2 गैस। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि अगर हम बॉक्साइड आयस को सोडियम कार्बोनेट के साथ संगलित कर दें तो हमारा रिजल्ट क्या मिलता है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। और ये जो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है, ये एक ऐसा पदार्थ होता है जो गर्म जल में घुल जाता है, डिजोल्व हो जाता है, घुल जाता है। तो बताओ हमने सोडियम बॉक्साइड आयस लिया, ये बॉक्साइड आयस में अशुद्धियां हैं बहुत सारी, और साथ में सोडियम कार्बोनेट मिलाया, फ्यूज किया, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट में थोड़ा सा जल डालकर के गर्म कर दिया, तो सारा का सारा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट तो जल में घुल गया, अशुद्धियां तो ज्यों की त्यों सॉलिड थी, वो अघुलनशील थी, नीचे बैठ गई, अशुद्धियों को छान के अब हमने क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो हमारी अशुद्धियां तो अलग हो गई, मगर अभी हमारा अयस्क किस में बदल गया, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट में बदल गया। हमें सोडियम मेटा एल्यूमिनेट ढूंढना चाहिए, हमें तो हमारा अयस्क चाहिए, और वो अयस्क कौन सा चाहिए, Al2O3 चाहिए, निर्जल एल्यूमिना चाहिए। और वो निर्जल एल्यूमिना कैसे प्राप्त करते हैं, अब हम क्या करते हैं, जो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट हमारे पास आ गया, टू मोल्स ऑफ NaAlO2, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट जो हमारे पास आ गया, उसका जलीय विलयन लेते हैं, ध्यान से समझिएगा, उसका जलीय विलयन लेते हैं, और उसमें कौन सी गैस प्रवाहित कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर देते हैं। इसकी भाषा क्या हो जाएगी, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को गर्म विलयन में घोलने के उपरांत अशुद्धियों से अलग कर लिया जाता है। इस विलयन को ठंडा करने के बाद इसके जलीय विलयन में कौन सी गैस प्रवाहित करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर हम लोगों को जो रिजल्ट मिलता है, वो रिजल्ट क्या मिलेगा, टू मोल्स ऑफ AlOH का होल थ्राइस, मीन्स हम लोगों को मिलेगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप। क्या मिलेगा, अवक्षेप का मतलब जो पदार्थ नीचे की तरफ बैठ जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, अवक्षेप। और साथ में क्या मिलेगा, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट हमको मिल जाएगा। तो हमें इस अवक्षेप को छान के अलग कर लिया, और इस अवक्षेप को जो हमने छान के अलग किया है, इसको हम धो लेंगे, सुखा लेंगे, और फिर इसको हम जब गर्म करेंगे तो ये किसमें बदल जाएगा, Al2O3 में बदल जाएगा, प्लस 3 मोल्स ऑफ H2O में बदल जाएगा। और इस तरह से जो हमें मिला
उसको हम क्या बोलते हैं, निर्जल एल्यूमिना, निर्जल एल्यूमिना। और यही हम प्राप्त करना चाहते थे, अशुद्धियां हमारी अलग हो गई, शुद्ध अयस्क अलग हो गया। और इस विधि में हमने जिस केमिकल का यूज किया, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, केमिकल लीचिंग प्रोसेस। देखो आप रिएक्शन पर फोकस करो। कुछ लोग कहेंगे सर हमें रिएक्शन भूल जा रही है, हम बार बार रिएक्शन भूल रहे हैं, सर हम कैसे रिएक्शन को याद करें? नो प्रॉब्लम, देखो जब तक आप भूलोगे नहीं तब तक आप नया सीखोगे। सबसे पहला आप मेरे साथ एक काम करो, जो मैं आपको अभी बोल रहा हूँ वो मेरे साथ करो। सबसे पहले देखो Al2O3.2H2, देखो जल्दी से Al2O3.2H2 लिख लिया, प्लस Na2CO3 लिख लिया। अब Na कितने हैं, दो, तो जो आउटपुट मिलेगा उसका नाम क्या होगा, 2 moles of NaClO2, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम मेटाइलोग्रेट प्लस 2 moles of H2O plus CO2। तो ये पहली रिएक्शन तो हो गई। अब यही रिएक्शन को आपको दोबारा लेते हैं, देखो 2 moles of NaClO2 plus H2O plus CO2 plus CO2, सेम चीज है, बस H2O 2 की जगह यहाँ पे क्या करना है, 3। तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ Al कितने हैं, 2 है ना, तो 2 moles of Al, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप आएगा और Na2CO3 वापस मिल जाएगा। अब इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को जब हम गर्म करेंगे तो क्या मिल जाएगा, Al2O3 plus CH2O। आप एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार इसको लिखो, जब तक याद नहीं होती तब तक लिखो, और जब आप लिखो भूल जाओ तो कुछ घूम टहल के आओ, आपको लगे याद हो रही है 15 मिनट बाद फिर लिखो, 20 मिनट फिर लिखो, आप 3-4 बार लिखने की प्रैक्टिस कर लो, डेफिनेटली गारंटी कर रहा हूँ आपको रिएक्शन याद हो जाएगी। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि अयस्कों को गैंग से केमिकल की सहायता से अलग करने की जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं निछालन विधि, या उसको हम बोलते हैं रासायनिक विधि, या उसको हम बोलते हैं लीचिंग प्रोसेस। और उसके अंतर्गत हम एल्यूमिनियम का भी शोधन कर सकते हैं, सिल्वर का भी कर सकते हैं, गोल्ड का भी कर सकते हैं। हमने एल्यूमिनियम का बॉक्साइड अयस्क लिया, उसके शोधन की 3-3 विधियां थी, मगर अभी हमने कौन सी विधि डिस्कस करी, हॉल विधि, और उसमें हमने किस केमिकल का यूज किया, सोडियम कार्बोनेट का केमिकल का यूज करने पर हमने सोडियम मेटाइलोग्रेट बनाया, ये गर्म जल में घुलनशील था, अशुद्धियां अघुलनशील थी, छंटियां अलग हो गई, और सोडियम मेटाइलोग्रेट के जलीय विलयन में हमने CO2 गैस प्रोवाइड करी तो हमको एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप मिला। उस अवक्षेप को छान कर धोकर सुखा लिया, और उसके बाद जब हमने इसको गर्म किया तो हमें शुद्ध निर्जल एल्यूमिना की प्राप्ति होगी। जो हमारा टारगेट था वो हमारा पूरा हो गया, और इस विधि को हम बोलते हैं रासायनिक निछारण। उम्मीद है आपको ये विधि अच्छे से समझ में आ गई होगी, आप इसकी अच्छे से लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नोट्स तैयार कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछा जाता है, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका ये क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भेजिए, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो उत्साहवर्धन कीजिए, और अगर आपको इससे रिलेटेड नोट्स को लिखने में समस्या आ रही है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक मेरे लगभग हर एक पिछले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको नोट्स, डिस्कशन, सब चीज़ आपको अवेलेबल हो जाएगी, तो आप सभी लोग कॉपरेट करेंगे। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू।